वेलकम बैक ऑन माय चैनल सीमन स्टडीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्री स्कीमा स्कीमा आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर एंड वर्ड का मीनिंग क्या है कौन कौन से थ्री स्कीम हैं सो गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्टली एग्जाम में जे वाला क्वेश्चन आता ही आता है एंड गाइज इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिलीव मी इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्कीमा रेफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो स्कीमा वर्ड है वो रेफर करता है डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर विच टेल्स अस अबाउट हा डेटा इज स्टोर एंड असैस और ये हमें बताता है कि कैसे हमारे डेटा को स्टोर किया जाता है डेटाबेस में एंड कैसे असस किया जाता है आर्किटेक्चर रेफर्स टू द ओवरऑल डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटाबेस जो आर्किटेक्चर है वो हमारे डेटाबेस के ओवरऑल डिज़ाइन को रेफर करता है और हमारे डेटे की ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हमारा डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है इन डेटाबेस द थ्री लेयर लेयर्स ऑफ द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर्स थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के कौन कौन से लेयर्स हैं फर्स्ट वन फिज़िकल लेयर कंसेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल थ्रू फिगर आपको इसलिए क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से लेवल्स हैं डाटाबेस सबसे नीचे पहले हमारा डाटाबेस होगा उसके ऊपर आता है फिजिकल लेवल ऑल्सो नॉन एज इंटरनल स्कीमा उसके ऊपर कंसेप्चुअल लेवल ऑल्सो नॉन एज कंसेपच्चुअल स्कीमा उसके ऊपर आता है हमारा एक्सटर्नल लेवल ऑल्सो नॉन एज एक्सटर्नल स्कीमा गाइज जो एक्सटर्नल स्कीमा एंड कंसेप्चुअल स्कीमा के बीच में जो गैप होता है नॉन एज एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग कंसेप्चुअल स्कीमा एंड इंटरनल स्कीमा के बीच में जो जो गैप है नॉन एज कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग सो गाइज आई होप आज का ये वाला टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें एंड आप अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें